खबर सुल्तानपुर जनपद से, जहां जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के सिमरी पुलिस चौकी से सटे हनुमान मंदिर से बुधवार की शाम 4 बजे चोरों ने मंदिर के घंटे पर यहां साफ कर दिया। जब पुलिस के बगल से ही चोरी चोर कर ले जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस का भय भी नहीं है। हनुमान मंदिर के पुजारी बाबा राजकुमार ने सिमरी पुलिस चौकी को शिकायत पत्र देते हुए मंदिर के पुजारी को ने बताया कि मैं 11 साल से मंदिर हनुमानगढ़ी का पुजारी हूँ। कल बुधवार को तबीयत खराब होने की वजह से दवा खाकर सो गया था। जब शाम को पूजा करने के लिए घंटा बजाने गया तो देखा कि दोनों घंटे गायब है। चारों तरफ ढूंढने पर भी घंटा नहीं मिला। बाबा राजकुमार ने पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब पुलिस चौकी के अंदर ही दिन दहाड़े चोरी हो जा रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद और पुलिस कितनी सुस्त नजर आ रही है। आम जनता की क्या हिफाजत होगी जब पुलिस चौकी से सटे मंदिर की ही हिफाजत नहीं कर पा रही पुलिस, तो आम लोगों की क्या करेगी। आपका नाम? राजकुमार दास। क्या हुआ है? घंटा खोल रही है हिंदू थी। कहाँ पे? हनुमान जी के सामने थी। अच्छा, मंदिर में? हाँ। और कब की घटना है? कल 4 बजे के। कल शाम 4 बजे? हाँ। आप कहाँ थे? हम यही बरामदा में ही दवा खा के हम यही लेटा रहे थे। आप लेटे थे बरामदे में? तो आपको कब पता चला कि घटना चोरी? घंटी लगाने के समय पे तब हम देखा थे कि तुम्हारा घंटा गायब है। लगभग कै बजे आपको पता लगा? 4 बजे। नहीं, आपको पता कै बजे लगा? हमें लाग हुए 7:30 बजे। 7 बजे तो आपने पुलिस को सूचना दी? नहीं। पुलिस को सूचना दी है आप? हाँ, पुलिस को सूचना दी है, तब तो बताया नहीं। बता दिए हैं? हाँ। बगल में चौकी भी है? हाँ।